1997 फ्रांस और ब्राजील के बीच चल रहा था फुटबॉल मैच। फ्री किक के लिए बॉल थी ब्राजील के रोबर्टो कार्लोस के पास, लेकिन कार्लोस के पास डायरेक्ट लाइन नहीं थी गोल के लिए, क्योंकि गोल और कार्लोस के बीच थी फ्रांस की टीम। कार्लोस ने जैसे ही फुटबॉल को किक किया तो फुटबॉल पहले तो फ्रांस के प्लेयर से दूर गई, लेकिन गोल के पास जाते जाते बॉल टर्न हुई और सीधे गोल में। गोलकीपर के साथ साथ पूरी दुनिया हैरान थी कि आखिर ये हुआ कैसे। बात पहुंची चाचा न्यूटन तक। आखिर उनके फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के हिसाब से किसी ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन और स्पीड तब तक चेंज नहीं होगी जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाई जाए। तो फिर फुटबॉल की डायरेक्शन चेंज कैसे हुई? कार्लोस ने बॉल को किक किया था बॉटम राइट कॉर्नर पे, जिससे बॉल रोटेट होना शुरू हुई अपनी एक्सिस पे। इस रोटेशन की वजह से बॉल के एक साइड में हवा का फ्लो था रोटेशन की डायरेक्शन में और दूसरी साइड में था अपोजिट डायरेक्शन में। इससे बॉल के दोनों तरफ क्रिएट हुए डिफरेंट प्रेशर जोन्स और इस प्रेशर डिफरेंस की वजह से ही बॉल डिफ्लेक्ट हुई गोल की तरफ। इस किक को तो शायद आप बनाना किक के नाम से जानते हो, लेकिन इस इफेक्ट का नाम है द मैग्नस इफेक्ट।